गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए तारी सरनी ब्लॉग में। अभी सुबह के बज चुके हैं, आप देख सकते हैं 7। क्वालिटी थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है, क्या करें। और यहाँ देखिए सभी लोग क्या कर रहे हैं। ये मेरे अंशु बाबू भी सो रहे हैं। अंशु उठो, अंशु। ये छठ का वीडियो देख रही हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग हो चुका है, हमको ड्यूटी निकलना है क्योंकि इस समय ओवर टाइम काम चल रहा है। आपको दिखा रहे हैं बाहर का नज़ारा, ठंडी बहुत ज़्यादा है। वाह देखिए, सूर्य देवता अपने फोकस मार रहे हैं पीछे से। तो आज है छठ का पूजा, और कि क्या बताएं आपसे, आज तारीख है 30 अक्टूबर, और फिर जो है घर में सभी लोग आज छठ का पूजा देखने जाने वाले हैं। हम तो निकल रहे हैं 7 बजे, आएंगे रात को 10-10:30 बजे ही, क्योंकि अभी ओवर टाइम चल रहा है हमारा, तो फिर टाइम नहीं मिल पाएगा। वैसे हम रास्ते में आपको जाकर के दिखाएँगे कहाँ पर पूजा होता है छठ का, थोड़ा सा आपको नज़ारा। हमारे साथ हमारी वीडियो बनी रही और इन्जॉय करिए। ठंडी इतनी भयंकर है कि जैकेट वैकेट पहने वगैरह, यहाँ धूप निकला है, आपको दिखा रहे हैं आ चुके हैं वरना पुल, क्योंकि बनारस में पड़ता है और यहाँ पे छठ पूजा होगा वहाँ का, आपको दिखा रहे नज़ारा हम, क्योंकि अभी तो यहाँ पे कुछ है नहीं वैसा खास, हम लोग सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, चलिए आपको दिखा रहे हैं। ये रास्ते में ही पड़ता है बिल्कुल, जहाँ से ड्यूटी करने जाते हैं हम। ये लोग बना रहे हैं अपना पूजा पाठ का तैयारी हो रहा है। देखिए यहाँ लाइट भी लगी है जो रात में यहाँ जलेगा, आपको रात का नज़ारा दिखाएंगे हम। अभी तो बज रहे हैं 7:30, 7 बजे घर से निकले थे, आ गए 7:30 तक यहाँ। हमारे घर से 15-20 किलोमीटर है, 15-16 किलोमीटर है, 20 किलो नहीं है। बाइक से आए, सुबह रास्ता खाली था, क्लियर पूरा, तो यहीं पर होगा, आपको रात का हम दिखाएँगे नज़ारा। तो अभी चल रहे हैं ड्यूटी, निकल रहे हैं। अंडर एंट्री के बाद शायद वीडियो शूट ना कर सके, थोड़ा बहुत दिखाएँगे आपको वहाँ का सीन, उसके बाद नहीं दिखा पाएंगे। उसके बाद सीधा मिलते हैं रात में यहीं पर इसी जगह पे, तो चलिए चलते हैं। इस समय टाइमिंग हो रहा है 5:15। सुबह आए थे हम यहाँ पर 7:30 बजे और अभी 5:30 बज रहे हैं। दिखा रहे हैं आपको भीड़ यहाँ का, ये देखो खड़ा होने के लिए जगह भी यहाँ पे नहीं मिल रहा है लोगों को। वीडियो बनाना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लग चुका है और यहाँ पे वीडियो भी शूट नहीं हो पा रहा ठीक से, भीड़ बहुत ज़्यादा है, पुलिस वाले भैया लोग भी भगा रहे हैं। तो अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं, उसके बाद आपको आगे चल के बाकी का बात बताएँगे, और अभी तक सिर्फ इतना ही, चलिए मिलते हैं आगे। तो अभी हमारी यहाँ से हो चुकी है छुट्टी और टाइमिंग हो रहे हैं 9। हम थे वरना पुल पे, जब आपसे बात कर रहे थे उस वक्त तो बज रहे थे 5:30, अभी बज रहे हैं 9।
और अब हम चल रहे हैं, घर निकल रहे हैं। रास्ते में एक बार आपको फिर से दिखाते हैं वहाँ चल के कि भीड़ का माहौल क्या है कि खत्म हो गया और कितने लोग वहाँ पर हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं कंटिन्यू, हमारे साथ बने रहिए। तो एक बार फिर से आ चुके हैं उसी जगह पे, लेकिन उस पार नहीं खड़े हैं, इस पार खड़े हैं, क्योंकि जाने का रास्ता यहाँ पर है। आपको दिखा सकते हैं, हम अभी दिखा रहे हैं आपको। हम खड़ी है मेरी बाइक और ये है रास्ता, अरे आपका है पुलिस पर। अभी आपको देखिए दिखा रहे हैं यहाँ का नज़ारा, ये है। भीड़ उड़ सब ख़त्म हो चुका है, कोई नहीं है, क्योंकि पूजा पाठ तो शाम को ही ख़त्म हो जाता है 6:30 बजे के बाद। ये देख लीजिए बरना पुल है, वो जो बड़ी लाइट जल रही है वहीं पे हम खड़े होकर वीडियो शूट किए थे शाम को 5:30 बजे, और इस समय इस पार खड़े हैं। तो नज़ारा काफ़ी ब्यूटीफुल है, अच्छा लग रहा है। रात का समय है, इस समय बज रहे हैं 9:15, देख लीजिए आप लोग भी। तो चलिए वीडियो का करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और छठ पूजा भी। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए कहानी के साथ, किसी नए लोगों के साथ, किसी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।